सात दिनों तक उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पुलिस के हत्थे चढ़ गया है मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया है अब उत्तर प्रदेश पुलिस विकास को ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाने की तैयारी कर रही है उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि विकास दुबे महाकाल मंदिर में पूजा करने जा रहा था तभी सुरक्षाकर्मियों ने उसे पहचान लिया विकास ने भी अपनी पहचान कबूल की और उससे पूछताछ की जा रही है गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई है एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है कुख्यात बदमाश विकास दुबे यूपी पुलिस को एक हफ्ते से चकमा दे रहा था और बुधवार को आखिरी बार फरीदाबाद में देखा गया था यूपी पुलिस ने विकास दुबे का सुराग देने वाले को पांच लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया था विकास दुबे दो जुलाई को हुए कानपुर एनकाउंटर का मास्टरमाइंड है और इस एनकाउंटर में एक डिप्टी एसपी समेत आठ लोग मारे गए थे ब्यूरो रिपोर्ट गो न्यूज